रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मन्ना खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्ना खान व्लॉग। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा मौसम है, काफ़ी तेज़ धूप भी है और मैंने आज आप लोग को पिपराइच वाला रोड का वीडियो देने के लिए कहा था, लेकिन मैं आज नहीं दे पाऊँगा, उसके लिए सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि मैंने सोचा कि उससे पहले कुछ और मैं आप लोग से बात कर लूँ। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, बिहार वाला आपने वो सुना ही होगा, जो बिहार पटना मतलब कि पटना की जो ट्रैफिक पुलिस ने किया है उसके बारे में। अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एक यूट्यूबर था और काफ़ी अच्छा यूट्यूबर है वो भी, और मतलब उनके काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स भी हैं और साथ ही साथ उन्होंने ट्रैफिक के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो भी बनाए हैं। और उनके साथ ट्रैफिक पुलिस वालों ने ऐसा किया है, उनको काफ़ी मारा भी है, ऑन रिकॉर्ड वीडियो भी है उनका ऑन कैमरा, और उनके साथ काफ़ी गलत भी हुआ है, उनकी बाइक ख़राब कर दी गई है और काफ़ी कुछ हुआ है। अगर आप मैं आप लोग को वीडियो में दिखा दूंगा अभी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मान लीजिए बिहार का मैटर है और आप सोच रहे हैं कि आप यूपी के हैं, तो हम लोग क्यों है उनको सपोर्ट करें या फिर कैसे सपोर्ट करें, तो मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये मत देखिए कि वो बंदा कहाँ का है या किस स्टेट का है। ये सोचिए कि आज अगर उनके साथ वैसा हो रहा है तो कल हो सकता है आपके साथ भी हो। तो मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक बार ऑनलाइन ही सपोर्ट करें, ना कि वहाँ पर आपको जाके कुछ सपोर्ट करना है। आपको बस ऑनलाइन ही सपोर्ट करना है उनको, आप ऑनलाइन ही उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको आश्वासन भी दे सकते हैं कि हम आपके साथ हैं ऐसे। तो इससे होता है कि अगर भविष्य में कभी आपके साथ भी कभी कुछ हुआ तो आपके साथ भी लोग खड़े होंगे। और ये ना देखें कि वो, और कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि नहीं वो हिंदू है वो मुस्लिम है, ऐसा ना सोचें। हम लोग इंडियंस हैं तो इंडियंस को सपोर्ट करना चाहिए। और आपने यहाँ पे भी सुना होगा जो गोरखपुर में भी हुआ था, पुलिस वालों ने जो होटल में बंदे को मार दिया था, लगभग एक डेढ़ महीने पहले की बात है, एक महीने शायद पहले की बात है, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। तो ये सब कुछ ज़्यादा हो रहा है, कभी ट्रैफिक पुलिस किसी को पकड़ के मार देती है, कभी पुलिस वाले पकड़ के मार देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम लोग को आवाज़ उठानी चाहिए। हालांकि मैं नहीं जानता हूँ कि ये वीडियो आप लोग कितनी देर देखेंगे या कितनी देर नहीं, लेकिन अगर आप लोग अभी नहीं उठेंगे, ना ही अभी मतलब कि इस सब चीज़ों पे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आगे चल के ये चीज़ें बढ़ेंगी और इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें और बातें करें, लोगों से समझें ये सब चीज़ क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, और इन सब के लिए मतलब कि क्या निष्कर्ष निकाला जाए। इन सब चीज़ों पे लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं उनका सपोर्ट करें। कैसे हो रहा है, तुम भागा के पीछे भागेंगे तो मारेंगे इनको आप। हाँ मारेंगे, तुम अपराधी हो, तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो, चेक करिए, तुम अपराधी हो, पूरा चेक करिए, क्यों भागे, तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो, पुलिस का धमका रहे हो, आप मारे, तुम धमका रहे हो, मारने का अधिकार है, लाठी मारेगा तुमको, तुम भागा क्यों, तुमको जब चेक कर रहा है, तुम हथियार हाथ छोड़ा के भागा मेरे आदमी का। अच्छा, वायरलेस के सारा चीज है, तुम भागे हो ना सर, कैमरा में हाथ छुड़ा के भागे, कोई कैमरा नहीं दिखाना चाहते, इसको लगाओ इसको, ये तुम हमको धमकी दे रहा है, कैमरा चला रहा है, चीज मत करिए सर, ये चीज मत करिए, ये चीज बहुत गलत हो रहा है, ठीक है, नहीं 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 नहीं, हाथ कैसे छीन सकते हैं आप मेरा मोबाइल कैसे छीन सकते हैं, आप मेरा मोबाइल कैसे छीन सकते हैं सर, नहीं 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 नहीं, अब तो सर अब मेरी गलती, आप लोग पटना के पब्लिक को ने सर बहुत परेशान कर दिए सर, वही ने किया, तुम परेशान कर दिए सर, मीडिया वाला हो के तुम भागोगे, मीडिया वाला कौन बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो, अरे मीडिया नहीं है सर, नहीं 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 नहीं, आप लोग पटना के पब्लिक को परेशान कर दिए हैं सर, आप इतना समझ लीजिए। आपका नाम क्या है, लो फेकिंग कोटे से, मेरा नाम क्या, सब इंस्पेक्टर, हाँ क्या, मैं परेशान हूँ तुम लोग से भाग भाग, अरे नहीं सर, एक्चुअली मैं पब्लिक परेशान है, आप लोगों को चिंता नहीं है कि पब्लिक रोड सेफ्टी पे काम करे, आप लोगों को चिंता है कि सरकार के पास चलान कैसे जाए,
हाँ है ना, चालान कैसे जाए, कैसे जाए, चाबी कैसे छीन सकते हैं आप, चाबी आप नहीं छीन सकते हैं। नहीं, मेरे को मारा क्यों गया यहाँ पे? वही नहीं मारा, मेरे को हाथ लगाया आपने, हाथ लगा गए तुम क्यों? नहीं नहीं नहीं, भागा क्यों आप? मेरा गाड़ी यहाँ लगा हुआ, हम भागे भागे, तुम भागे हमको, तुम डराओगे? नहीं 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 सर, ये चीज नहीं हो सकता। आप अरे गाली दे रहे हैं, मम्मी का गाली दे रहे हैं हमको, सुनिए एक मिनट, आप गाली कैसे दे सकते हैं? पदाधिकारी तो हाथ लगाएगा, हाथ लगाएगा पुलिस अधिकारी पर। इतना 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 हो गया कि आप मेरी माँ को गाली देंगे? अरे चाबी तो देंगे सर, सब बना रहे हैं, सब बना रहे। आ रही है, देखते हैं वो बोल दिए। यही है पटना पुलिस, नहीं कुछ मिलता है तो गाली देता है, यही है पटना पुलिस। ज्यादा कुछ बोलने पे मारपीट होता है रोड पे, देखिए यही है। बहुत गलत किए आप मेरे साथ, मारा है मेरे दोस्त को भी मारा है। मारपीट मत कीजिए, गाड़ी ला दीजिए। देखिए कोई नहीं करता है मारपीट, कैसे नहीं, आपको वीडियो दिखाएं क्या? मारपीट कोई करता है? आपको वीडियो दिखा दें सर? नहीं दिखाना है। देखिए कितना कितना घटिया इंसान है ये लोग। गाड़ी ला दीजिए, चुप आदमी है, गाड़ी का मारपीट कीजिएगा ये पटना हाई कोर्ट एंड माय बाइक स्कूल, समझ में नहीं आता इन लोगों का क्या सीन। मारने का राइट है नहीं, मारने का राइट है आपको? हाँ मारा है, मारे का है आपको? जो मारा है, मारने का वीडियो है, जो वीडियो बना रहे हैं उसी वीडियो पे दिखाइए, पकड़िए तो भैया। कोई नहीं मारता है, मारा वाला कोई नहीं है। अच्छा मारा नहीं है ना सर, मारा होगा तो सर, मारा होगा तो अब हम देखने नहीं गए। अच्छा अब आप देखने नहीं गए? यहीं थे आप देखने? मैं पूछ रहा हूँ आपको, मैं दिखाऊं कि अभी वीडियो में मारा है, आप क्या 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 एक्शन लेंगे? आप क्या एक्शन लेंगे? गाड़ी ले जाइए, अभी वो आए बाइक से तो हेलमेट पहने बैठे, ले जाइए आप गाड़ी उठा के मारेगा। देखो ये सब के मुताबिक स्क्रैच नहीं लगना, स्क्रैच नहीं लगेगा, आप टेंशन क्या ले? आराम से करो गाड़ी, आराम से तो करिएगा। देख रहे हैं ना सर, ये बिहार पुलिस हमारे कौन है सर? इधर आइए, थोड़ा मुंह दिखाइए अपना, चेहरा कितना अच्छा है आपका, क्या नाम है सर आपका? खूबसूरत आदमी है, पैमान पैमान औलाद पैदा किए बिहार पब्लिक, यहाँ पे हर पब्लिक साथ देगा हमको, हम पब्लिक रिव्यू। क्या भैया मारा है कि नहीं बोलिए, मारा है ना? ठीक है मारा है ना? ये बिहार पुलिस का क्रेन है, क्या क्या बोल रहे हैं? बहुत बोल दिया आपने, आप एक पुलिस वाले को धमका रहे हैं। अरे धमका क्या रहे लगे? आप किसकी बाइक को हवा में डाले हैं आपको नहीं पता? एकदम किसको ले जा रहे हो दिखाइए, सुनाएंगे बताइए भैया गलत है कि नहीं ये? बहुत गलत किए आप मेरे साथ, मारा है मेरे दोस्त को भी मारा है। देखिए मारपीट कैसे नहीं, आपको वीडियो दिखाए क्या? आपको वीडियो दिखा दें सर? नहीं दिखाना है। देखिए तो जैसा कि आपने वीडियो देख ही लिया, और ये अभी फुल वीडियो नहीं है, फुल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो लगभग भैया ने कुछ बातें भी बोली हैं जो कि लगभग 24-25 मिनट की वीडियो है, शायद 28 मिनट की वीडियो है, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके देख सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपने गोरखपुर में भी वो कांड सुना होगा, और उसमें भी अभी पता नहीं क्या फैसला आएगा क्या नहीं आएगा, कोई नहीं जानता है। तो ये सब अब कुछ ज्यादा हो रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है कि लोग
फ्रस्ट्रेट हो के पुलिस वाले या फिर ट्रैफिक पुलिस वाले काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हम लोग को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हो सकता है कि कल को हम लोग में से कोई जा रहा हो और रास्ते पे ऐसी कुछ घटना हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि आप एक बार इन सब चीज पे गौर मतलब कि सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जो लोग इस पे आवाज उठा रहे हैं उनको सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आज आप नहीं आवाज उठाएंगे तो ये होता है कि ये चीजें बढ़ेंगी और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएंगी कि आप बाद में आवाज उठा के भी इसका कुछ नहीं कर पाओगे। समय रहते अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो हम लोग आगे चल के इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि आप इस चीज पे सपोर्ट करें, और इसमें भैया जो हैं उनको भी आप लोग थोड़ा आश्वासन दें कि उनके साथ जो हुआ है गलत हुआ है और हम लोग आपके साथ हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। और रहा सवाल जो मेरा, मैंने आपसे कहा था कि मैं पिपराइच वाले वीडियो मतलब पिपराइच वाले रोड का वीडियो लाऊंगा, वो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा इस वीडियो के बाद, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले इस चीज़ पे बातें करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में ये ऐसा हो ही रहा है और आपका यूपी में आपने देखा ही, यूपी में तो हमको लग रहा है कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ हो रही है। हर जगह से ये सुनने को मिल रहा है, कहीं कुछ जगह पे पुलिस वाले मतलब जो गुंडागर्दी टाइप में है वो पुलिस वालों के साथ हो रही है, तो कुछ जगह पुलिस वाले आम पब्लिक के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग को इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग आवाज़ उठाइए और आगे जो होगा वो तो देखा ही जाएगा, लेकिन आवाज़ उठाना हमारा हक है और हम लोग को ये करना चाहिए। गलत चीज़ को हम लोग को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़ आप लोग ये मत सोचिएगा कि मेरा चैनल नया है और मेरे व्यूवर्स कम है या मतलब सब्सक्राइबर्स कम है, इस वजह से मैं ये व्यू और सब्सक्राइबर पाने के लिए कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा रहता तो मैं आपसे इस वीडियो में ज़रूर कहता कि सब्सक्राइब करें या फिर ऐसा कुछ। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने सपोर्ट के लिए बनाया है, तो ये कहना अच्छा भी नहीं है। और रहा सवाल मेरे सब्सक्राइबर मतलब कम है और मैं ऐसा कुछ लोग सोचेंगे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। मैं सपोर्ट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी सपोर्ट करें आगे, बस इतना ही। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस चीज़ को देखें और समझें इस बातों को और सपोर्ट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल आपको पिपराइच वाली वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे कल हम। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।